एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आपको आज का मौसम तो दिख ही रहा होगा मेरे पीछे किस तरह का है। दिन तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप लगी हुई थी, पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मुझे नहीं पता मौसम इस पर क्या करने वाला है। ना अच्छे से बारिश हो रही है, ना अच्छे से धूप लग रही है। पता नहीं चार पाँच दिन क्या हफ्ते से वैसे ही चला हुआ है। बाकी आज कुछ ऐसा करने के लिए नहीं है स्पेशल जो मैं आपको दिखाऊँ, तो मैंने सोचा आज मैं जो गमले रखे हुए हैं यहाँ पे, आज मैं इनसे घास वगैरह निकालती हूँ। और कुछ है, दो तीन गमले खाली पड़े हुए हैं, उनमें मैं प्लांट्स लगाती हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ गमले हैं जिनसे मैंने घास वगैरह निकाली है। ये अनुज और मेरी लॉकडाउन की मेहनत। जब लॉकडाउन लगा था तो हमने ज़्यादा प्लांट्स लगाए थे, मतलब बहुत सारे फूल लगाए थे हमने उस दौरान। अब जो ये वाली साइड है, यहाँ से पीछे पीछे हमने वहाँ तक पूरे में क्यारियाँ बनाई हुई थी, और इस साइड को भी आगे आगे से हमने ईंटे लगा लगा के क्यारियाँ बनाई थी। पर जिस दिन मतलब जब मेरी शादी थी तो सारे के सारे ईंटे भी निकालनी पड़ी यहाँ से। ये पूरे हमने यहाँ पे फ्लावर्स लगाए थे, बाकी अब इसमें तो पत्ते आने लग गए हैज में। तो यहाँ पे है कुछ चार गमले खाली है, हम जाते हैं मिट्टी लाने, फिर लगाते हैं इसमें फ्लावर्स। पर है हमारे पास सारे सेम फ्लावर्स है, मांगने पड़ेंगे बुआ से। बुआ के पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं। कहाँ से निकालनी मिट्टी? यहाँ जोड़ी जितनी सारी। बाकी हम यहाँ पे मिट्टी लेके आ गए मम्मा और मैं, हम इसमें फ्लावर्स लगाते हैं। वैसे है तो नहीं अभी हमारे पास, आप देख सकते हो उसमें यहाँ पे छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स लगे हैं, मतलब अलग जो इसके हैं, तो इन्हीं को हम यहाँ से निकाल के इन गमलों में लगा देंगे। बाकी दो प्लांट्स यहाँ पे भी है, ये वाले, इनको मिनिमम ऐसे किसी में लगा देंगे। बाकी करते हुए आज का काम शुरू। शायद सूखे सूखे निकाल देते हैं यहाँ से, नहीं तो सूखे प्लांट्स ना पूरे तोड़ के सुखा देते हैं। फिर यहाँ से भी पानी का काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। बाकी मैंने अभी बुआ को फ़ोन कर दिया है, बुआ से मैंने कल प्लांट्स मंगवा दिए क्योंकि बुआ पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स निकाले हुए जो वो थे, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, पर ये सदाबहार ऐसे ही रहते हैं, मतलब हमेशा ऐसे फूल निकलते रहते हैं। तो एक मैं इसमें लगा देती हूँ, बाकी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कहाँ कहाँ लगाए गमले। रखेंगे तो यहीं पे कुछ जो ये वाले हैं ग्रिल्स वगैरह में टांगने के लिए जो होते हैं हैंगिंग वाले, इनको हम वहीं खींचवा। बाकी यहाँ पे एक मटका है बड़ा सा जो भी टूट चुका है, इसमें मैंने कलाकारियाँ करके रखी है कुछ। ये भी हमने लॉकडाउन में किया था सब कुछ, मैं पेंट वगैरह किया था। यहाँ पीछे एक बाल्टी जिसमें गोदावरी लगी हुई है, इसमें लगाते हैं ये वाला फूल। कहाँ गया? ये लगाएंगे हम इसमें वही सेम, क्योंकि अच्छे लगते हैं यार। हर साल के मतलब पूरी साल ही खिले रहते हैं इसमें, प्लांट फूल निकलते रहते हैं। अब इसको लगाते हैं हम इसमें। ये लग गया इसमें फूल। अब चलते हैं अपने बाकी प्लांट्स के पास, इसमें भी लगा दिए इन चारों में। अब इसमें कौन सा लगाऊं, इन्हीं में से देखना पड़ेगा कोई यहाँ से निकाल के अगर मैं लगा पाऊँ। बाकी कुछ वहाँ पे भी है, पहले घास निकालती हूँ सबसे। तो यहाँ पर सभी गमलों से मैंने घास भी निकाल दिया, और जो चार पांच गमले खाली थे उनमें मैंने फूल भी लगा दिया। अब इनको लगाते हैं पीछे पीछे से, रख लेती हूँ मतलब। बाकी यहाँ पर एक खाली भी है ये टीन का जो है, इसमें मैंने कुछ कलाकारी की भी, लॉकडाउन की कलाकारी हुई। तो इसमें मैं सोच रही हूँ क्या लगाऊँ, ये ऑरेंज वाली फ्लावर्स लगाऊँ, ये लगाऊँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये फैलते भी है तो बहुत सुंदर लगेगा। चलो बाकी इन गमलों को पीछे रख लेती हूँ। तो मैंने सारे फूल लगा दिए हैं, सभी गमलों से मैंने घास भी निकाल दिया है।
बाकी मैंने कल बुआ से मंगवाए हैं बहुत सारे फूल यहाँ के लिए भी और शीला जान के लिए भी, क्योंकि शीला जान में भी कुछ फूल है जो सूख चुके हैं और घास भी बहुत लग गया जहाँ मैंने फूल लगाए थे। वहाँ का व्लॉग अलग से आएगा, मैं आपको दिखाऊँगी, हम परसों जाएंगे मे भी शीला जान। बाकी एक आग छूट गया है, अब मेरा काम सारा यहीं पे रुक गया शायद, मैं आपको दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मामा। हवा लगी, हवा ठंडी ठंडी हवा। हेलो काक्ष जी, गुड मॉर्निंग। मामा को दिखाती हूँ जरा, मामा बताओ पहले कैसे लग रहे हैं? ऐसे कुल गए ना, अच्छे हैं, पक्का पक्का मस्त है, लगने चाहिए सब फूल सारे हैं नहीं? हाँ सारे। एकाक्षी चलो आप बताइए आपको कैसे लगे सारे फूल। अब मैं पहले एकाक्ष को खाना दे देती हूँ, फिर उसके बाद जो पीछे क्यारियाँ बनाई हुई थी उसको साफ करती हूँ। अब मुझे पता नहीं आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे इस वीडियो को देखने में कि नहीं, पर अब मेरे को ना वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप सबको छोटी छोटी चीज़ें दिखाना अच्छा लगता है। मैंने सोचा आज मैं ये काम कर रही हूँ तो ये भी दिखा देती हूँ, तो मैंने इसलिए फिर अपना कैमरा उठाया, मतलब अपना फ़ोन उठाया और शूट करना स्टार्ट कर दिया। बाकी मिलते हैं बाद में। A few moments later. दो गमलों को लगाते हैं, उसके मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ लगेंगे। चार तो वहाँ पे लगे, एक टूट गया था कोई से इनमें से, कौन सा टूटा हुआ है? ये वाला भी टूट चुका है, एक तो शायद धूप से ख़राब होते हैं, जैसे कि येलो वाला ये भी टूट गया, धूप से अभी कच्चे हो जाते हैं ना तो फिर टूट रहे हैं। कोई ना, अच्छे लग रहे सारे गमले। तो जो ये वाले गमले हैं ये लगेंगे यहाँ पर, जो ये चार गमले, फिर मुझे तीन तीन करके लगाने पड़ेंगे, तीन यहाँ जैसे पहले लगाए हुए थे। पर इन दो के लिए भी कोई फूल नहीं है इसमें, तो चलो मैंने ये वाले लगा दिए हैं। इसमें तो हैंगिंग वाले अच्छे लगने थे, जैसे ही दोनों है मतलब ऐसे वाले प्लांट्स, पर ऐसे है नहीं तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये है बिफोर कंडीशन इस क्यारी की, अब मैं आपको मिलती हूँ इससे बिल्कुल साफ़ करके। तो यहाँ पे मैंने पूरी क्यारी साफ़ कर दिया, अब इसमें लगाने के लिए भी फ्लावर्स नहीं, फिर जो कल बुआ फ्लावर्स लेके आएगी उसमें लगाएंगे। दो तीन फ्लावर्स है वो मैं लगा लेती हूँ। एक यहाँ पे ये वाला है, जो ये वाला फूल है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा जाता है तो मैं इसको बीच में नहीं लगाऊंगी, मैं इसको कहीं यहाँ साइड में लगाऊंगी। तो इस तरह से होगी हमारी पूरी क्यारी तैयार। अब अनुजा व्लॉग देखेगी, बोलेगी वेरी गुड दीदी, मेरा काम आसान कर दिया। आप देख सकते हो मेरे पीछे हो रहा है ब्यूटीफुल सा सनसेट, और मैंने सारा काम कर दिया है, सारे फ्लावर्स लगा दिए हैं और जो फ्लावर पॉट जो दो बच रहे थे वो भी मैंने लगा दिया। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से लगाया है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कल जो बुआ फ्लावर्स लेके आएगी वो मैं आपको शीला जान वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, पर शीला जान में जो मैं व्लॉग बनाऊंगी वो कब अपलोड होगा उसका मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वहाँ पे थोड़ी नेट की दिक्कत है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।